आज शनिवार को अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान व एएसपी अमरेंद्र सिंह ने चरक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अस्पताल में बिना वजह आने वाले मरीजों के अटेंडरों को घर जाने के लिए निर्देशित किया। जितेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि कई मरीजों के साथ उनके अटेंडर अस्पताल में आए हुए थे, इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा है। शिकायत मिलने के बाद आज सुबह आगर रोड स्थित चरक अस्पताल का निरीक्षण किया गया, साथ ही मरीजों के अटेंडरों को समझाइश देकर घर जाने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप उज्जैन जिले में लगातार फैल रहा है, बावजूद इसके लोग शासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। मरीजों के लिए अस्पताल में अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन अटेंडर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना गलत है, इसीलिए फिलहाल समझाइश दी गई है। अगर अटेंडर द्वारा नहीं माना जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, चरक जो हमारा कोविड वार्ड है चरक हॉस्पिटल का, वहाँ पर जो मुख्य रूप से ये शिकायत थी कि यहाँ पर काफ़ी जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो फिर यहाँ पर आकर अपने परिजनों को भोजन या फिर मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं, और वो निश्चित रूप से एक गलत से कि कोई भी कोविड पेशेंट के परिजनों को अपने घर से उसमें बाहर नहीं निकलना है। उनका तर्क ये रहता है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन जो उसमें लंग में इन्फेक्शन के कारण से वो उनको यहाँ पर भर्ती किया गया, तो उनको हम लोगों ने ये बताया है कि अगर उनको लंग में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज है वो अगर ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली वो कोविड के ही पेशेंट होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को यही मान के और यही जानना चाहिए कि उसमें आपका जो ट्रीटमेंट है वो कोविड का ही उसमें चलना है, और ये समझाइश देकर उनको यहाँ पर अवगत कराया कि उनको यहाँ पर किसी भी स्थिति में प्रेजेंट नहीं होना है। और ये बात धीरे धीरे उनके समझ में भी आई है। उनकी जो कुछ बेसिक परेशानियाँ ये थी कि वो उनको अगर अपने परिजनों को कोई मेडिसिन उपलब्ध कराना है तो किस तरीके से करेंगे, उनको अगर उनके हालचाल जानना है तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएँ बना रहे हैं कि वहाँ टेलीफोन के द्वारा या फिर वीडियो कॉल के द्वारा हम लोग उनसे उनकी बात करवा देंगे, ताकि वो आश्वस्त हो जाएंगे कि उनके मरीज या उनके जो परिजन हैं उनका इलाज व्यवस्थित रूप से चल रहा है और वो स्वस्थ हैं या फिर उनके उसमें कितना इम्प्रूव हो रहा है।